आज आप देख सकते हैं बुलबुल साइकिल में साइकिल चलाएगी आज। चलो बुलबुल चलो 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 उधर चुरी मुनी मुनी चलो 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 भाई चलो भाई चलो 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 साइकिल पे चलो 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 चलो। मार्केट जा रहे थे तो मेरे से तो उठाया नहीं जाएगा ये ना सिलेंडर, तो इसलिए मैंने इनको भी बोला कि भैया थोड़ा हेल्प कर दो, थोड़ा इन सिलेंडर को वहाँ पहुँचा दो उसके ऊपर। पर वो बुढ़ी नहीं है राम, उनको भी बुखार आ रहा है। सुबह सुबह मैंने दवाई दी उनको, मेरे पास थी दवाई तो मैंने दवाई दी, तो बोल रहे थे जब सिलेंडर आएगा तो मुझे भी बोलना राम। तो मैंने उनको बोला, बताया मैंने उनको कि सिलेंडर आ गया, तो वो भी आ गए और अभी ये सिलेंडर भर रहे हैं। और तो चले हम दोस्तों अपने घर की तरफ, क्योंकि बहुत तेज बारिश हो रही है। और ये देखो मेरी ड्रेस, मैंने ये शर्ट पहन रखी है क्योंकि ये नाच बहुत काटता है, पूरे हाथ में जलन होती है, मेरे फेस पे पूरा जलन हो रही थी। और जाके अब मुँह धुलूंगी तो कुछ ना कुछ क्रीम लगा दूंगी हाथों में मुँह में। नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात, मैं पारू नेगी एक बार फिर स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल पारू नेगी ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है 6:30 बजे से, जो कि पियू के नाश्ते से शुरू हो रहा है। ये देख सकते हैं आप, पियू अपने नाश्ते की हेल्प खुद ही कर रही है। और आज इसके लिए बना रही हूँ मैं ब्रेड पकौड़ा, देखते हैं कैसे बनता है। देख सकते हैं मैंने ब्रेड पकौड़े 2 मिनट में तैयार कर लिए, ये पियू के लिए अभी के लिए और ये स्कूल के लिए। फिलहाल तो इसके लिए बनाती हूँ और अपने लिए थोड़ी देर में मैं बनाऊँगी जब ये स्कूल चली जाएगी, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है ना, इसका टाइम भी हो रहा है, लेट हो सकता है। पियू इसको लेके जा बेटा, इसको लेके जा पियू, खा लो जब तक मैं टिफिन रख रही हूँ। चलो फिर लेट हो जाएगा, चलो बाबू। चलो फिर हो गया, चलो आज आप देख सकते हैं बुलबुल साइकिल में साइकिल चलाएगी आज। चलो बुलबुल चलो 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 उधर चुरी मुनी मुनी चलो 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 भाई चलो भाई चलो 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 साइकिल पे चलो 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 चलो। पैडल तक तो पैर पहुंच ही नहीं रहे हैं, पर फिर भी बुलबुल साइकिल चलाएगी। चलाओ चलाओ भाई मेरी बुलबुल साइकिल। खुश हो रही हो अपनी साइकिल को देख के? आ जा चलाओ 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 चलाओ। इसके बदले का पैडल मुझे मारना पड़ेगा। कब होगी ना ये बड़ी, जब इसके पैडल तक पैर चलेगा। इसका बर्थडे गिफ्ट है ना ये, इसलिए ये ऐसा ही बोल रहा है हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे का गिफ्ट है। बुलबुल चला आजा। आजकल कैरी में भी वो सुंदर सुंदर फूल खिले हैं, देख सकते हैं आप, येलो कलर के, कितने प्यारे हैं ना ये, देखो कितने प्यारे प्यारे सुंदर फूल हैं। ये पथियोड़े भी खूब हो रखे हैं आजकल। कल मैं इसके ऊपर चढ़ी थी, जब मैंने पथियोड़े के पत्ते निकाले थे, बड़ी मुश्किल से चढ़ी ऊपर यहाँ से और फिर ऊपर पहुंची और तब पत्ते निकाल के।
अभी खाना बनाने का टाइम भी हो ही गया है, तो मैंने आज कड़ी पकौड़ा बनाने की सोची, मतलब कड़ी के साथ पकौड़ी। तो अभी प्याज की पकौड़ी बन रही है और मैं बना रही हूँ कड़ी, दिखाती हूँ आपको। तो अभी क्योंकि सिलेंडर वाले आ रखे ना, सिलेंडर आ रखा था तो अब सिलेंडर वाली गाड़ी आ रखी है, दिखाती हूँ आपको। ये यहाँ मिस्त्री लगे हुए हैं, हमारे मकान बन रहा ना पीछे, तो मिस्त्री लगे हुए हैं पीछे। और अभी तो क्योंकि उनके मतलब मेरे ससुर जी भी मार्केट जा रहे थे, तो मेरे से तो उठाया नहीं जाएगा ये ना सिलेंडर, तो इसलिए मैंने इनको भी बोला कि भैया थोड़ा हेल्प कर दो, थोड़ा इन सिलेंडरों को वहाँ पहुँचा दो उसके ऊपर। और वो बुढ़ी नहीं है राम, उनको भी बुखार आ रहा है। सुबह मैंने दवाई दी उनको, मेरे पास थी दवाई तो मैंने दवाई दी, तो बोल रहे थे जब सिलेंडर आएगा तो मुझे भी बोलना है राम। तो मैंने उनको बोला, बताया मैंने उनको कि सिलेंडर आ गया, तो वो भी आ गया। और अभी ये सिलेंडर भर रहे हैं, पकौड़ियाँ तली जा रही है प्याज की। अब इन प्याज की पकौड़ियों में से ना मतलब मुझे ये पकौड़ियाँ तब डालनी होगी जब लास्ट में, पहले मैं कम तेल का तड़का लगाऊंगी कड़ी में, क्योंकि मतलब मेरे ससुर जी के लिए मना कर रखा ना तेल खाने के लिए, ज़्यादा तेल, ज़्यादा क्या खाना ही नहीं है कि तेल तो कम, ऐसा तो होता नहीं कि खाना ही नहीं है, तो थोड़ा सा कम तेल में पहले कड़ी बनाऊंगी और इन इसको तब लास्ट में डालूंगी, जब उनके लिए अलग निकाल दूंगी तब इन पकौड़ियों को डालूंगी। देखो कौन सा भी हो रहा है, शाम का 4:30 और मैं आई हूँ खेतों में। ये देख सकते हैं आप शाम के टाइम पे, देखो फिर से आना पड़ा यहाँ क्योंकि अभी हमारा निपटा नहीं है ना। उधर दादी खा रखी है चार, हाँ ऐसी आ गई थी दादी भी, अभी थोड़ी देर पहले ही आई दादी भी। और मैं भी खेत में पहुँच चुकी हूँ, काफ़ी रह रखा है यार, अभी इसको निपटाने के लिए है काफ़ी। बस सुनती हूँ आपको थोड़ी देर बाद। तो एक बार फिर से यही बारिश खेतों में, जैसे हम इस खेत में पहुँचते हैं और यहाँ बारिश ही हो जाती है, और इतनी तेज बारिश हो गई उस दिन की तरह ही, फिर रिपीट वैसी हो गया, वैसी बारिश हो गया जैसे उस दिन हुई थी। क्या करें हम यहाँ खड़े हैं अभी फिलहाल, तो बारिश रुकेगी तो तभी घर जाएंगे, थोड़ा सा ही रह रखा था। तो चले हम दोस्तों अपने घर की तरफ, क्योंकि बहुत तेज बारिश हो रही है। और ये देखो मेरी ड्रेस, मैंने ये शर्ट पहन रखी है क्योंकि ये नाच बहुत काटता है, पूरे हाथ में जलन होती है, मेरे फेस पे पूरा जलन हो रही थी। और जाके अब मुँह धुलूंगी तो कुछ ना कुछ क्रीम लगा दूंगी हाथों में मुँह में, नहीं तो ये नाच ना बहुत ज़्यादा, ये धान बहुत काटता है। और अभी हम घर ही जा रहे हैं क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही है, अभी थोड़ा हल्की हो गई है, जो कि हम घर जा रहे हैं। उस दिन की तरह होगी ना अगर, जैसे उस दिन हुई थी पूरा पानी पानी, उसके बाद ऐसा ही पहले निकल जाएंगे तो इतनी बारिश तो नहीं होगी। हम निकल रहे हैं घर की तरफ, मिलते हैं आपको सीधे घर में, ठीक है। अभी आ गए थे तो तब हमारे घर में नानी आ रखी थी, मतलब मेरे हस्बैंड की नानी। ये देख सकते हैं आप, ये है मेरे हस्बैंड की नानी, ये देखो कितनी यंग है ना अभी तक। मेरे सास जी तो चले गए इतनी कम एज में, और ये मेरी नानी है, मतलब मेरे हस्बैंड की नानी जी आ रखी है, आज दिन में आ गए थे ये। और ये दादी भी टीवी देख रही है अभी पड़े पड़े, ये देखो यहाँ पे, ये देखो ये दोनों समझने बैठे हैं। और दोस्तों हमने खाना वगैरह भी खा लिया है, बुलबुल भी अपना गेम खेल रही है, इसको गेम यही है दवाइयों के साथ खेलना बस, और पूरे कमरे का सत्यानाश करना। ये देखो सारे इसने, सारे जितना मैंने सही ढंग से रखा था ना सब इसने निकाल दिया, सब इसने खचड़ंग पचड़ंग कर दिया, क्या बोलो। बस यार दोस्तों हमने खाना भी खा लिया है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में कल सुबह, आज के लिए बस इतना ही। और मुझे लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना, और मिलते हैं आपको कल, आज के लिए बस, ओके हाय गुड नाइट।